Shasti, everybody. Once, yes, that's right. Woo, woo, woo. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you for coming. That's right. Rise, rebel, repeat. कितनी बार कहा है मैंने अपने बॉयफ्रेंड को करने करता ही नहीं है बहन चो. मैंने स्टैंड अप कॉमेडी अभी जारी रखी है बिकॉज आई वॉन्ट टू बिच अबाउट माई बॉयफ्रेंड. आई एम डेटिंग समबडी अनफॉर्चुनेटली. 5 साल से रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है मेरा, लेकिन है लॉन्ग डिस्टेंस. आप लोग रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस में भाई, स्कैम है, ठीक है. कोई और दूसरी बात है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता ये रिलेशनशिप. आप लोगों को आई मीन अ लॉन्ग डिस्टेंस या लाइक करस्पॉन्डेंस में हम मानते ही नहीं है. एंड द बॉयज दे कंटिन्यू फ्लोटिंग विद यू, लाइक यू टेल देम आई मीन अ लॉन्ग डिस्टेंस, दे आर लाइक हमें दूर का दिखाई नहीं देता, दे कंटिन्यू. एंड जो लॉन्ग डिस्टेंस में जो लड़की होती है, ठीक है, जो कि मैं हूँ, मैं अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बता दूँ. हर विनोद जी आप देख नहीं रहे हमें, थोड़ी हमारी भी फोटो निकाल लो. Just telling you guys one thing, media, आप लोगों ना big fan over here, ठीक है, huge fan. आप लोगों को मैंने इतना देखा है कैमरा के पीछे पूरा टाइम, सेंटर सेंटर सेंटर, राइट पे आइए राइट पे आइए. मैं आ जाती हूँ देखते देखते कि जल्दी जल्दी फोटो निकाल लो यार आप लोग, ठीक है ना. मैं बात कर रही थी मेरे लॉन्ग डिस्टेंस की. तो मेरा जो बॉयफ्रेंड है, ठीक है, जो लड़की होती है लॉन्ग डिस्टेंस में, उसकी लाइफ में एक लड़का होता ही है जो बस वेट कर रहा होता है कि कब खत्म होगा ये नंगा नाच, कब थकेगी ये. पूरा टाइम मुझे मैसेज करते रहता है कि यार देख वो तो नहीं है यहाँ पे, मैं हूँ तेरे लिए यहाँ पे. तो मुझे ना आई सेट अप दैट कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस में, एंड आई स्टे इन मुंबई एंड ही स्टेज इन दिल्ली. दैट्स राइट. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वाज लाइक फक दिल्ली, बट नाउ आई नो. थैंक यू सो मच भूमि. शी इज लाइक या फक दिल्ली, वू. बट नाउ आई नो इट्स नॉट फक दिल्ली, इट्स जस्ट फक हिम. ही स्टेज इन दिल्ली, आई स्टे इन मुंबई. वेन एवर ही विजिट्स मी, ठीक है, वी स्टे एट अ होटल बिकॉज मैं मुंबई में रहती हूँ, अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ. आपने देखा है रियल एस्टेट का भाव, मैं बाहर नहीं जा रही इसमें, इतना जोर से मुझे प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं है, मैं घर में मास्टरबेट कर लूँगी, इट्स ऑल राइट. तो जब भी आता है तो हमने 5 साल से देखे, तो हमने हर तरीके की होटल्स अब ट्राई कर लिए, ठीक है. तो हमने ट्राई कर लिए 5-star hotel, 7-star hotel, 3-star hotel, होटल विथ नो स्टार, वे योर द स्टार, पॉन स्टार. ये चीप ओयो रूम ट्राई किया आपने, राज नाम होता है उनका, राज. बत्ती ऐसे बंदबूझ कर रही होती है बाहर, वो फिक्स भी नहीं करवाते, गूगल मैप लेके भी नहीं जाता है आपको वहां पे. आप जाओ रास्ता खत्म, वहां एक काला कुत्ता खड़ा होता है, उसके साथ जाना होता है. ये वाली बेस्ट होटल्स होती है, चीप होटल्स जो होती है बेस्ट. भाई वो छुपा भी नहीं रहे कि यहाँ पे कैमरा है कि नहीं, वहां पे कैमरा है, शीशे के पीछे नहीं है, सिर्फ कैमरा है, आप अपना एंगल चूज कर लो. मेरे बॉयफ्रेंड ने मतलब शीशे में नहीं, कैमरा में सुबह देख के बाल बनाए अपने. और फिर हम दोनों का झगड़ा हो गया तो वो रिसेप्शन पे चला गया और फुटेज ले आया, फिर मुझे लैपटॉप पे प्ले करके बता रहा है कि देख इसमें 15th minute पे तू गलत थी. तो भाई ये वाली बेस्ट होटल्स होती है. लेकिन एक बार हमने लाइफ में पैसे कमाए थे, ठीक है, तो हमने ग्रैंड हयात में होटल लिया था. वो वो गिव इट अप फॉर ग्रैंड हयात. 15,000 का होटल रूम था. तो हमने जैसे उनके मुंह पे 15,000 मारे, बोथ ऑफ अस वर लाइक अब हम वसूल करके निकलेंगे, इतना सेक्स करेंगे अंदर, हर जगह सेक्स, काउंटर टॉप पे सेक्स, बेड पे सेक्स, बाथटब पे सेक्स, हर जगह क्लीन होती है ना वहां पे. आप उनके नौकरों के हाथों में सेक्स कर सकते, आप पूछो तो सही उनको. 15,000 लिए यार. पहले 1 मिनट मैम सैनिटाइज करके वापस आते, आइए बैठिए. जस्ट एवरीवेयर वी थॉट कि हम लोग तो अंदर जाके मचा ही देंगे. लेकिन आप कभी ग्रैंड हयात गए हो? ऑफ कोर्स आप लोग गए होंगे, आप लोग गए हो कभी. मैं जब ग्रैंड हयात में घुसो, ठीक है, तो वहां पर बोलता है बहुत सेक्स, लेकिन वहां पर मैं डिस्ट्रैक्ट ही हो गई क्योंकि उस कमरे में करने को इतना कुछ है. 15 type की तो चाय है वहां पे, कैमोमाइल टी क्या है, मोगरा की चाय कब बनी. पहले 15 मिनट तो मेरा बॉयफ्रेंड हाथ में मोगरा टी बैग्स लगा के घूम रहा होता है, अपने आप को देवदास बुला रहा होता है, बाथ टब में बोलता है सेक्स करेंगे. मैंने कैसे करेंगे, इतना सा तो बाथ टब है, उसमें तुझे फिट होना है, मुझे फिट होना है, पानी को भी फिट होना है. और पार्ट टब में पता है, आप मैं गरीब हूँ, ठीक है,
और बाथटब, पहला जो गरीब इंसान होता है पहली बार बाथटब देख के ये नहीं सोचता है कि इसमें मैं सेक्स करूंगा, पहली बार बाथटब देख के आप सोचते हो कि इसमें मैं अकेला बैठूंगा। बाथटब देख के मेरा बॉयफ्रेंड लड़ने लगे, भाई बहन की तरह लड़ रहे कि मैं पहले जाऊंगा। बाथटब में तो कोई सेक्स नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि बाथटब में पहले 15 मिनट इसी में निकल जाते हैं कि जाग आया कि नहीं आया, ये पिक्चरों की तरह क्यों नहीं आ रहा है यहां तक। और पानी में कोई आदमी सेक्सी नहीं लगता है, तो मेरे पास मुझे नहीं देख रहा है पानी के अंदर कि नहीं यार ये नहीं होगा मुझसे। द बेस्ट काइंड ऑफ सेक्स, ओके, द बेस्ट काइंड ऑफ सेक्स, दैट्स व्हाई हैपेंस एट दीस चीप होटल्स, राज, वो दीस होटल्स आर मेड फॉर सेक्स, ठीक है भाई। आप वहां पे जाओ, उनका वेलकम ड्रिंक है कॉन्डम, लड़का आके लगा देता है कि सर शुरू हो जाइए, इट्स द बेस्ट। वो उन्होंने कमरे में कुछ रखा ही नहीं है, आप डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं है वहां पे, कुछ नहीं चल रहा वहां पे, टीवी नहीं चल रहा। मेरे बॉयफ्रेंड ने उनको कॉल कर दिया, कहता सर आपका टीवी नहीं चल रहा है, तो वो उस पर हंसने लगे कि सर आप यहाँ पे टीवी देखने आए थे, अच्छा लगेगा सर पॉर्न हब पे एक ही कपल बैठा है और बिग बॉस देख रहा है। Some big boss fans here. Oh, Shehnaz, hi. Good for Shehnaz, everybody. तो मेरे बॉयफ्रेंड को बिग बॉस देखना है, मैम सेक्स नहीं करना है उसको वहां पे, बताओ आप उसको। तो बेसिकली मैं कहती हूँ ये जो होटल्स होती है बेस्ट होती है भाई सेक्स के लिए, कुछ नहीं चल रहा, गर्म पानी ठंडा आ रहा है, ठंडा पानी गर्म आ रहा है, वो कॉल पे डांट देते हैं आपको कि सर आप जो करने आते हो सेक्स करने आप निकलो। दूसरी जो होटल्स होती है आप उनको जाके रिव्यू देते हो ना, ये होटल्स आपको रिव्यू देते हैं, आप बाहर जा रहे हो कि सर क्या घटिया सेक्स किया आपने, 5 मिनट का कंटेंट भी नहीं निकलेगा आपसे, आपको कंपाइलेशन में डालना पड़ेगा हमको। लास्टली बिफोर आई गो अवे आई विल टेल यू दैट दीस होटल्स रियली स्पाइस अप योर सेक्स लाइफ, ओके, बिकॉज ग्रैंड हयात इन ऑल दीस होटल्स दे टेल यू वेरी बोरिंग थिंग्स, लाइक दे टेल यू थिंग्स लाइक कि अगर आग लग गई ठीक है तो ये फायर एग्जिट है, यहां से निकल जाना, इज दैट टर्निंग यू ऑन? नो। जो राज होटल ठीक है, दे विल टेल यू थिंग्स लाइक कि सर सुनिए अगर पुलिस आ गई तो आपको बैल्कनी से कूदना है और मैडम को छोड़ देना, पुलिस को सिर्फ आपसे लेना देना है। थैंक यू सो मच गाइस, माय नेम इज समारा, प्लीज वेलकम प्रशस्ति बैक ऑन स्टेज। वो समारा, वो वो, गिव इट अप फॉर प्रशस्ति एवरीबॉडी वंस, यस दैट्स राइट, वो वो वो, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग, That's right. Rise, rebel, repeat. कितनी बार कहा है मैंने अपने बॉयफ्रेंड को करने, करता ही नहीं है बहनचोद। मैंने स्टैंड अप कॉमेडी अभी जारी रखी है बिकॉज आई वॉन्ट टू बिच अबाउट माई बॉयफ्रेंड, आई एम डेटिंग समबडी अनफॉर्चुनेटली। 5 साल से रिलेशनशिप चल रहा है ठीक है मेरा, लेकिन है लॉन्ग डिस्टेंस। आप लोग रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस में भाई, स्कैम है ठीक है। कोई और दूसरी बात है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता ये रिलेशनशिप। आप लोगों को आई मीन अ लॉन्ग डिस्टेंस या लाइक करस्पॉन्डेंस में हम मानते ही नहीं है। एंड द बॉयज दे कंटिन्यू फ्लोटिंग विद यू, लाइक यू टेल देम आई मीन अ लॉन्ग डिस्टेंस, दे आर लाइक हमें दूर का दिखाई नहीं देता, दे कंटिन्यू। एंड अ लॉन्ग डिस्टेंस में जो लड़की होती है ठीक है, जो कि मैं हूँ, मैं अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बता दूँ, हाँ विनोद जी आप देख नहीं रहे हमें, थोड़ी हमारी भी फोटो निकाल लो। Just telling you guys one thing, media, आप लोगों ना big fan over here, ठीक है? Huge fan. आप लोगों को मैंने इतना देखा है कैमरा के पीछे, मैं पूरा टाइम सेंटर सेंटर सेंटर, राइट पे आइए राइट पे आइए, मैं आ जाती हूँ देखते देखते कि जल्दी जल्दी फोटो निकाल लो यार आप लोग, ठीक है ना। मैं बात कर रही थी मेरे लॉन्ग डिस्टेंस की, तो मेरा जो बॉयफ्रेंड है ठीक है, जो लड़की होती है लॉन्ग डिस्टेंस में, उसकी लाइफ में एक लड़का होता ही है जो बस वेट कर रहा होता है कि कब खत्म होगा ये नंगा नाच, कब थकेगी ये, पूरा टाइम मुझे मैसेज करते रहता है कि यार देख वो तो नहीं है यहाँ पे, मैं हूँ तेरे लिए यहाँ पे। तो मुझे ना आई सेट अप दैट कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस में, एंड आई स्टे इन मुंबई एंड ही स्टेज इन दिल्ली, दैट्स राइट। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वाज लाइक फक दिल्ली, बट नाउ आई नो, थैंक यू सो मच भूमि, आई लव, शी इज लाइक या फक दिल्ली वो, बट नाउ आई नो इट्स नॉट फक दिल्ली, इट्स जस्ट फक हिम। ही स्टेज इन दिल्ली, आई स्टे इन मुंबई, वेन एवर ही विजिट्स मी ठीक है, वी स्टे एट अ होटल बिकॉज मैं मुंबई में रहती हूँ, अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ। आपने देखा है रियल एस्टेट का भाव, मैं बाहर नहीं जा रही इसमें, इतना जोर से मुझे प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं।